नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक तरफ देश में कोरोना का कहर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर खोज रहे हैं। न जाने कितनी ही तस्वीरें, कितनी ही वीडियोस हमने आपको दिखाई जिसमें कुछ ऐसे लोग सामने आए जो इस आपदा में लोगों को लूट रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाने से भी बाज नहीं आ रही है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये जो पोस्ट है इसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी हुई है और इस पर लिखा है कि 3 मई से लॉकडाउन होने जा रहा है। तो ये जैसे ही तस्वीर सामने आई तो इसको लेकर भ्रामक स्थिति फैल गई, लोग कंफ्यूज हो गए और इसको चुनाव से जोड़कर देखने लगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि 2 मई को रिजल्ट आएगा और देखिए 3 मई को लॉकडाउन लगाए जाने का ऐलान किया गया है। ये जो फोटो वायरल हो रही है इसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मई से लॉकडाउन लगेगा और 20 मई तक रहेगा और ये संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, मसलन बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले साल लॉकडाउन को झेला है। इसके अलावा इस पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ पीएम मोदी के हवाले से लिखा गया है कि देश के सभी राज्यों ने लॉकडाउन पर सहमति जताई है। जाहिर तौर पर ये पोस्ट सामने आना था तो फिर इसका फैक्ट चेक भी हमें करना ही था। फैक्ट चेक किया गया और ये पाया गया कि ये जो पोस्ट है पूरी तरीके से फेक है, फर्जी है। इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस, इस तरह का कोई भी आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। वैसे आपको बता दें, PIB ने भी ट्विटर हैंडल से इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है और बताया है कि ये जो न्यूज है ये पूरी तरीके से फर्जी है। ट्विटर हैंडल से PIB फैक्ट चेक के क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। PIB फैक्ट चेक, ये दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। वैसे बता दें, हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था तो उस दौरान उन्होंने एक हल्का सा इशारा दिया था। उन्होंने कहा था कि आखिरी विकल्प लॉकडाउन हो सकता है, इसको हम आखिरी हथियार के तौर पर देख सकते हैं। और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने यही कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन बिल्कुल आखिरी हथियार है, उससे पहले इसको ना अपनाया जाए। तो इसको लेकर ये फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अगली बार आपके पास ये खबर आए तो समझ जाइएगा कि ये फर्जी है। फिलहाल इस तरह की कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है।